Now we will discuss conjugate acid-base pair. Conjugate acid-base pair. Okay, तो मान लेता हूं मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक एसिड है HA. HA breaks as H plus plus A minus with an acid dissociation constant of Ka. तो HA जो है वो है मेरा एसिड, और इस एसिड में से H plus निकलने के बाद जो बचता है वो इफेक्टिवली एक बेस है. रीजन क्या है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में अगर मैं देखूं ए माइनस एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के डेफिनेशन से ए माइनस इज डेफिनेटली अ बेस. सो ए माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस. अच्छा ध्यान देना, अच्छा एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड धक्का खाया हुआ है. अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड धक्का खाया हुआ है तो ए माइनस का जो एच प्लस की तरफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा कम है या नहीं है. जी हां जरूर है, फॉरवर्ड फेवर्ड है तो बैकवर्ड खराब है. यानी एचए अगर अच्छे से टूट रहा है, यानी एचए अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बैकवर्ड हमारा खराब हो रहा है, यानी ए माइनस खराब तरीके से एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है. सो ए माइनस इज अ वीक बेस. सो सिंपल सी बात है, If acid is strong, तो simple सी मतलब क्या है, conjugate base will be weak. हा कि ना, obvious. Similarly, अगर acid हमारा खराब है, यानी एसिड खराब है मतलब ये फॉरवर्ड बहुत ही मुश्किल से जा रहा है, तो अगर फॉरवर्ड बहुत मुश्किल से जा रहा है तो बैकवर्ड बहुत अच्छे से आ रहा है. मतलब एचए अगर खराब है यानी मुश्किल से टूट रहा है तो ए माइनस भर भर के एच प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. यानी इफ एसिड इज वीक, that implies the conjugate base is strong. That is the concept of conjugate pairs. Yani agar acid aur base agar aapas mein conjugate ho, ek agar strong hai to dusre ko weak to hona hi padega. तो HA का K तो हमने डिफाइन कर दिए हैं. अगर A माइनस के बारे में सोचें, देखिए राइट नाउ अगर हम देखें इसको हम लोग आरहेनियस बेस में अगर कन्वर्ट करें, यानी इफ वी कंसीडर द रिएक्शन विथ वाटर, इट इज जस्ट लाइक अमोनिया. तो इसके लिए हम डिफाइन क्या करेंगे, KB यानी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो के ए कितना होगा, मेरे पास एच प्लस इंटू ए माइनस बाय एच ए. और के बी अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, एच ए इंटू ओ एच माइनस by A minus, right?
तो अब अगर मैं के ए और के बी को मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए क्या आएगा मेरे पास, के ए इंटू के बी विल बी इक्वल्स टू, ध्यान देना, ए माइनस कटेगा, एच ए कटेगा, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। सो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू। सो के ए इंटू के डब्ल्यू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, दैट मीन्स इफ वी टेक लॉग पी के डब्ल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू पी के ए प्लस पी के बी। दिस इज द रिलेशन फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा यहां पर अगर हम ध्यान दें, के ए अगर ज्यादा होगा तो के बी डेफिनेटली हमारा कम होगा, और के ए अगर कम होगा तो के बी डेफिनेटली हमारा ज्यादा होगा, राइट? एसिड स्ट्रॉन्ग मीन्स कॉन्जुगेट बेस वीक, एसिड वीक मीन्स कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। फॉरवर्ड बैकवर्ड हम समझ सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी चीज को एक बार बेस के लिए भी अप्लाई कर ले। BOH टूटेगा एज B प्लस एंड OH माइनस, राइट? इसका KB दे रखा है, वही बात है, B प्लस क्या है इसका, ये अगर बेस है तो डेफिनेट सी बात है बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में सोचते हुए दिस वन इज द कॉन्जुगेट एसिड, हाँ कि ना, समझ में आया? तो अगर हम देखें एक चीज, फॉरवर्ड अगर अच्छा यानी बेस स्ट्रॉन्ग तो बैकवर्ड खराब, यानी बी प्लस का ओ एच माइनस को लेने का टेंडेंसी कम, यानी इफ बेस इज स्ट्रॉन्ग दैट सिंपली इंप्लाइज क्या, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड इज वीक। और दूसरा, इफ बेस इज वीक दैट इंप्लाइज कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा, वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग आने वाला है। अच्छा के बी तो मुझे मालूम है, बी प्लस का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करके एक बार देख लूं तो बी प्लस प्लस वाटर विल गिव यू बी ओ एच प्लस एच प्लस, ये है इसका के ए। तो अगर मैं लिखूं के बी क्या आएगा मेरे पास, के बी आएगा बी प्लस इंटू ओ एच माइनस बाय बी ओ एच। और इसका अगर मैं लिखूं के ए तो के ए क्या होगा, बी ओ एच इंटू एच प्लस बाय बी प्लस। और अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास क्या आएगा, के ए इंटू के बी। सो बी ओ एच बी ओ एच विल बी कैंसल्ड, बी प्लस कैंसल्ड, व्हाट वी गेट इज एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, एंड एच प्लस इंटू ओ एच माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, के डब्ल्यू। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम ही रिलेशन आया है, आना भी चाहिए था, उसको क्या मालूम मैं बेस से चालू कर रहा हूं या फिर एसिड से चालू कर रहा हूं, यानी यहां पर भी मेरे पास आएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू।
तो 25 डिग्री सेल्सियस में उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 14। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं के बी ज्यादा मतलब के ए कम एंड के बी कम मतलब के ए ज्यादा, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स विद डिफरेंट एसिड्स एंड बेस। क्या बात कर रहे हो सर, सॉल्ट भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है? हाँ करता है। अभी 90th तक हम लोग जैसे सॉल्ट्स को लेकर बात किए हैं वहां पर वो एसिड या बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। यानी हमारे पास अगर पहला टाइप का सॉल्ट है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। तो न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में अगर मैं बात करूंगा, एग्जांपल है NaCl। तो NaCl टाइप का सॉल्ट जो है वो हमारा एसिड या फिर बेस के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देता है। यानी NaCl पे मैं कोई भी बेस डाल दूं तो भी हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, या फिर NaCl पे मैं कोई भी एसिड डाल दूं तो भी इन दैट केस हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। तो न्यूट्रल सॉल्ट अगर हमारा है जो हम लोगों ने 9th-10th लेवल तक डील करते हैं उनका तो एसिड या फिर बेस के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट वो सारे सॉल्ट होते हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सारे बनता है। यानी एग्जांपल जो है दैट इज NH4Cl। तो अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है NH4Cl का तो NH4Cl पे मैं कोई भी अगर एसिड डाल दो क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सहारे बना हुआ है तो उसका एसिड के साथ तो डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं NH4Cl के साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस उठा के डाल दूं, केस इन पॉइंट NaOH, तो NH4Cl NaOH के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NH4OH और साथ में बनेगा NaCl। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस that will react with a strong base to give you the corresponding weak base and the salt of strong acid plus strong base। अच्छा सर, अगर मैं NH4Cl में कोई एक weak base डाल दूं तो in that case क्या होगा? Reaction होगा but अच्छा नहीं होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला जो रिएक्शन है ये 100% रिएक्शन देने वाला है, राइट। ये वाला जो रिएक्शन है वो हमारा 100% होने वाला है क्योंकि टाइट्रेशन रिएक्शंस है तो इसीलिए वो एक्सट्रीमली फास्ट है। लेकिन अगर वहीं पर मैं कोई एक वीक बेस डालता हूं, यानी मेरे पास है NH4Cl और साथ में डालता हूं कोई एक वीक बेस, तो इन दैट केस ऐसा नहीं है
जो कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा, बट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा और इक्विलिब्रियम में होकर देगा दूसरा वीक बेस NH4OH और साथ में बन जाएगा BCL। यहां पर रिएक्शन का एक्सटेंट जो होगा वो डेफिनेटली 100% नहीं होगा। मतलब अभी तक जो हमने बातचीत की है, समझो सॉल्ट के अंदर जो कंपोनेंट स्ट्रांग है वो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रांग से बात रिएक्शन नहीं करता है। मतलब NH4Cl बना था स्ट्रांग एसिड HCl से, तो HCl स्ट्रांग एसिड होने के कारण NH4Cl कभी भी हमारा एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देने वाला है। लेकिन अगर जो कोई कंपोनेंट वीक है तो वो वीक कंपोनेंट डेफिनेटली रिएक्शन देगा। अगर हमारा वीक कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग हमने स्ट्रांग डाले तो वो जो टाइट्रेशन रिएक्शन होगा वो 100% होगा, और अगर वो मैंने जो दूसरा वाला चीज डाला वो खुद भी वीक है तो हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिलने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट। तो अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट मतलब क्या है, हमारे पास वो सॉल्ट जो बना है वो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के सहारे बना है, यानी एग्जांपल जो है वो है CH3COONA, राइट? तो अगर मैं CH3COONA में कोई भी बेस डालता हूं तो इन दैट केस एज डिस्कस बिफोर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल HCl, तो CH3COONA HCl के साथ 100% रिएक्ट करके देगा CH3COOH प्लस NaCl। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास सॉल्ट हो, किसका किसका सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, और उस पर अगर मैं डालता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो आपस में रिएक्ट करके हमें देगा वीक एसिड और साथ में बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन होगा ये हमें 100% रिएक्शन देने वाला है। अच्छा, अगर हम वीक एसिड डालेंगे तो सर दूसरा वीक एसिड डालेंगे तो फिर क्या होगा, चलिए डाल लेते हैं CH3COONA। इस पर अगर मैं मान लेता हूं जो मैंने फॉर्मिक एसिड डाल दिया जो एक दूसरा वीक एसिड है, तो इन दैट केस हमें इक्विलिब्रियम में रिएक्शन मिलेगा और हमें मिलेगा CH3COOH और साथ में बनेगा HC OONA, राइट? अगर हम स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो 100% होगा, वीक डालेंगे तो हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ इसका जो लास्ट केस है दैट इज द केस ऑफ सॉल्ट बफर। अब अगर मेरे पास सॉल्ट बफर यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो, एग्जाम्पल क्या है, CH3COONH4, तो अगर इस प्रकार का सॉल्ट है मेरे पास तो इन दैट केस ये एसिड और बेस दोनों के साथ ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट करेगा, यानी इस पर अगर मैंने NaOH डाल दिया, ठीक है, तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस मैंने स्ट्रॉन्ग डाला
तो मेरे पास सॉल्ट बन जाएगा ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, द करस्पॉन्डिंग वीक बेस, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 लिया और साथ में मैंने डाल दिया HCl, तो मैंने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल जाएगा पहले, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल जाएगा सबसे पहले, यहां पर अगर हम देखें NH4Cl यानी द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे तरफ हमें मिल जाएगा द वीक एसिड CH3COH। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट बफर दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों के साथ भी रिएक्शन होगा। बट जैसे कि पहले एक्सप्लेन है, वहां पर रिएक्शन 100% नहीं जाएगा, वहां पे वो पार्शियली रिएक्शन देने वाला है वाया इक्विलिब्रियम। अच्छा, नाउ इफ वी डू अबाउट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक की तो नाम में ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए एक्चुअली। अगर एम्फोटेरिक सॉल्ट है, सो एम्फोटेरिक इज बोथ एसिड एंड बेस। तो अगर मान लो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर उस पर डाल देता हूं एसिड यानी HCl, तो वो रिएक्ट करके बनाएगा NaCl प्लस H2CO3, ये हमारे पास बन जाएगा। और दूसरा, सिमिलरली अगर मैं NaHCO3 पर NaOH डाल दिया, तो ये रिएक्ट करके डेफिनेटली क्या बनाएगा, ये बेस है तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को खाएगा, बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट पे और साथ में बन जाएगा वाटर, राइट। तो चलो एक चीज करते हैं, क्या है मेरे पास, मेरे पास है 100 ml 0.1 मोलर CH3COONa है। इसके अंदर मैंने क्या किया, 60 ml 0.1 मोलर HCl इज एडेड, देखे रखा है Ka of CH3COH is equals to, let's take it as 10 to the power minus 5. So calculate delta pH due to addition of HCl, मैं जब HCl को ऐड किया उस कारण पे कितना हमारा जो pH है उस पर चेंज आया है, वो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इनिशियली pH निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियली क्या था हमारे पास, तो इनिशियली अगर हम देखें CH3COONa is a basic salt, ये एक basic salt है, हाँ कि ना, तो ये अगर एक basic salt है तो obvious सी बात है यहां पर हमारा क्या लगने वाला है, salt hydrolysis, और pH हम क्या लिखेंगे, that will be equals to 7 plus half pKa plus log of C to the base 10। pH कितना आएगा, 7 plus half pKa
प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस 10। अच्छा के ए कितना दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 5, तो पी के ए कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 5, राइट। तो पी एच क्या आएगा 7 प्लस हाफ पी के ए दैट इज 5 प्लस लॉग 0.1, ये माइनस 1 आएगा, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो पीएच हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो इनिशियली तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लग रहा होगा, तो हमारा जो पीएच का वैल्यू है वो कितना है 9। अब अगर हम देखें जैसे ही मैं CH3COONa में HCl डालता हूं, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इंस्टेंटली 100% रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करते हुए हमें देगा CH3COOH प्लस NaCl। इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन 100% फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें 100 ml 0.1 मोलर CH3COH है, CONa है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है वो 10 मिलीमोल है, और HCl में मैं डाला हूं 60 ml 0.1 मोलर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मैं HCl डाला हूं 6 मिलीमोल। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करूं, HCl जो है वो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये अगर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अकॉर्डिंग पूरा रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड ड्राइव करेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 मिलीमोल, ये मेरे पास आ जाएगा 4 मिलीमोल, और ये मेरे पास अकॉर्डिंगली पैदा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मिलीमोल। इन इस सेल को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है, 4 मिलीमोल CH3COONa और 6 मिलीमोल CH3COOH। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक वीक एसिड है और वो इस वीक एसिड का एक आयोनिक सॉल्ट है, तो ये दोनों आपस में जो बनाएगा दैट विल बी अ बफर। ये हमें क्या बनाएगा, बफर बनाएगा। अच्छा कैसा बफर, एसिडिक या बेसिक, वीक एसिड का बफर है तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, दिस विल गिव मी एन एसिडिक बफर। तो ये अगर हमें एक एसिडिक बफर देने वाला है तो दोस्तों ध्यान देना यहां पर मेरे पास क्या आने वाला है। अच्छा बफर में एक फायदा होता है, इट इज कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन, तो मैं वॉल्यूम को एनी हाउ कट कर सकता हूं, तो जो मेरा कंसंट्रेशन का रेशियो होगा वही मेरा मोल्स का रेशियो भी होगा, तो इसलिए हमें वॉल्यूम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है पीएच का क्या है, पी के ए प्लस लॉग 10 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। वॉल्यूम को हम भाड़ में जाने देते हुए मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय मोल्स ऑफ एसिड लिख सकते हैं, यानी पीएच जो आएगा मेरे पास वो आएगा पी के ए दैट इज 5 प्लस लॉग 10 बेस में मेरे पास क्या आएगा सॉल्ट दैट इज 4 बाय एसिड
दैट इज सिक्स राइट. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पीएच कितना आ जाएगा, फाइव प्लस लॉग टेन बेस में टू बाई थ्री दैट इज लॉग टू माइनस लॉग थ्री यानी फाइव प्लस 0.3 माइनस 0.48 तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.82 राइट. तो हमारे पास ये आ गया इनिशियल पीएच जो है वो है 9 और जो फाइनल पीएच है वो है 4.82. तो जो मेरा डेल्टा पीएच आएगा वो आएगा 9 माइनस 4.82 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5.18 राइट. सॉरी 4.18. तो ये मेरा पीएच में बदलाव आने वाला है. अच्छा आप बोलोगे सर पीएच में तो भयंकर बदलाव आया है, आना चाहिए था. स्टार्टिंग में ये बफर नहीं था तो एसिड डालने पर जो पीएच चेंज में रेजिस्ट करने का कोशिश होता है वो कोशिश डेफिनेटली यहां पर नहीं हो पाएगा, जिस कारण पे पीएच चेंज का कोई भी रोकने का तरीका इस सॉल्ट के पास नहीं था. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएच चेंज. ओके, तो होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. हमारा सॉल्ट किस तरीके से रिएक्ट करेगा एसिड और बेस के साथ उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने इस पार्ट में समझा दिया हूं. आगे जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो उस बात को हम ढंग से समझ सकते हैं. ओके.